इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है कि किस तरह से रेल लाइन के नीचे से रास्ता बनता है और यहाँ किन किन मशीनों का उपयोग हो रहा है और कितने मैन पावर की जरूरत होती है। तो सबसे पहले आप इस वीडियो में देख रहे होंगे कि यहाँ बहुत सारे मशीनें लगी हुई है। इसी में क्रेन की मदद से पटरी को दोनों तरफ से काट के हटा दिया गया है और हटाने बाद पटरी के नीचे जो ब्लास्ट रहता है उस ब्लास्ट को हटाया जा रहा है। ब्लास्ट जिससे आप गिट्टी करते हैं वही गिट्टी को डोजर की मदद से कट किया जा रहा था ताकि वहाँ से मिट्टी को काट कर वहाँ से रास्ता बनाया जा सके। तो चलिए वीडियो में बने रहिए, आगे तक यहाँ आपको पूरी जानकारी मिलेगी, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ पर ये क्रेन जो लगा हुआ है, जो बड़े बड़े क्रेन है, इसकी मदद से जो दोनों पटरी की तरफ से काट के सबसे पहले पटरी को हटाया जा रहा है ताकि वहाँ से ब्लास्ट को हटा कर फिर वहाँ मिट्टी को हटा कर नीचे से रास्ता बनाया जा सके। तो ये देखिए ये क्रेन लगा हुआ है, ये क्रेन ये पटरी को किस तरह से उठा रहा है दोनों साइड से। तो ये देखिए ये क्रेन जो है ये पटरी को उठा लिया है और इसे उठा के इसे एक साइड कर रहा है। तो वीडियो को देखिए पूरा अंत तक ताकि आपको वीडियो पूरा समझ में आ सके, इसे वीडियो को स्किप मत कीजिए। तो देखिए ये पटरी को हटा दिया गया है साइड में, इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ से ब्लास्ट को हटाया जाएगा और ब्लास्ट के नीचे से मिट्टी को काट के यहाँ से रास्ता बनाया जाएगा। तो ये देखिए ये डोजर लगा हुआ है, ये डोजर ये मिट्टी को काट रहा है धीरे धीरे और ये ब्लास्ट को भी एक तरह साइड से हटाया जा रहा है। तो ये डोजर मिट्टी को काटना शुरू कर दिया है और यहाँ से ब्लास्ट को भी एक तरफ साइड किया जा रहा है। तो वीडियो को देखिए अंत, और ये मिट्टी को काटा जा रहा है ताकि नीचे से रास्ता बनाया जा सके। तो देखेंगे कि मिट्टी धीरे धीरे पूरे साफ़ हो चुकी है और यहाँ पर रास्ता बनने के लिए तैयार है। तो आगे देखिए यहाँ पर इस मिट्टी को काटने के बाद आगे क्या हो रहा है जिससे यहाँ पर रास्ता बने। तो देखिए ये डोजर ने मिट्टी को साफ़ कर दिया है, यहाँ पर दो तीन डोजर लगे हुए हैं, एक डोजर को मिट्टी को पीछे खींच रहा था, वो पीछे का डोजर उस मिट्टी को और पीछे की ले जा रहा था कि गड्ढा जो है अच्छा। गड्ढा कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर अब ये सीमेंट के बॉक्स को डाला जाएगा जिस जो नीचे से रास्ता बनाते हैं। ये क्रेन की मदद से ये सीमेंट के बक्से को डाला जा रहा है। ये देखिए कैसे ये क्रेन जो है धीरे धीरे करके इस सीमेंट के बक्से को डाल रहा है, एक करके सारे बक्से इस गड्ढे में आ जाएंगे और इस गड्ढे को भरने वाली बॉक्स के बाद जो आस पास में जगह बचते हैं यहाँ मिट्टी को भरा जा रहा है ताकि ये बॉक्स हिले नहीं और ये मिट्टी धंसे नहीं। ये मिट्टी को भरा दिया जा रहा है, ये देखिए दोनों तरफ से ये मिट्टी जो बुलडोजरों की मदद से ये मिट्टी को भरा जा रहा है। तो मिट्टी को भरने के बाद ये देखिए किसके बाद क्या होता है, मिट्टी को भरने के बाद इसको ऊपर से फिर ये ब्लास्ट को डाला जाएगा। ये मिट्टी ये भरा रहा है ये डोजर की मदद से, ये बहुत सारे डोजर लगे हुए हैं यहाँ पर। सीमेंट के बक्से को डालने के साथ साथ इसमें ये मिट्टी को भी भरा जा रहा है ताकि ये बॉक्स सही से फिट हो जाए। ये देखिए ये क्रेन की मदद से ये सीमेंट के बक्से के साइड में जहाँ पर जगह खाली है वहाँ पर मिट्टी को डाला जा रहा है और ये सीमेंट के बक्से में जो रड लगा हुआ है ऊपर में जिस जो ये क्रेन से इसे टांग कर लाया था इस रड को भी ये काटा जा रहा है। ये देखिए ये रड को काटा जा रहा है और ये मिट्टी को भरा जा रहा है। तो धीरे धीरे मिट्टी को भरा जा रहा है यहाँ पर, ये जो बक्से बचे हुए उन बक्से को भी यहाँ पर लाया जा रहा है। मिट्टी का भरना ये कम्प्लीट होने जा रहा है, या मिट्टी भरने की कम्प्लीट हो चुकी है तो मिट्टी के ऊपर से ये गिट्टी को भरा जा रहा है। ये देखिए ये कैसे ये मैन लोग ये यहाँ पर गिट्टी को ये बोरे की मदद से यहाँ पर डाल रहे हैं, ये मिट्टी को डाला जा रहा है उसके ऊपर गिट्टी भी भरा जा रहा है। गिट्टी भरने के बाद इस गिट्टी को समतल किया जाएगा, ये गिट्टी को लेवल में लाया जाएगा जिसके कारण यहाँ से पट्टी को यहाँ पर अच्छे तरह से फिट हो जाए। ये गिट्टी भरा जा रहा है, देखिए कि गिट्टी को लेवल किया जा रहा है। ये गट्टी जो है ये डोजर की मदद से ये आदमियों की मदद से इसे लेवल किया जा रहा है। गट्टी को लेवल करने के बाद यहाँ देखिए इस ट्रैक को क्रेन की मदद से यहाँ पर लाया जा रहा है। ये देखिए ये क्रेन जो है ये ट्रैक को कैसे ये धीरे धीरे करके यहाँ पर ला रहा है। ये ट्रैक को लाने के बाद इसे यहाँ पर बांधा जाएगा दोनों ट्रैकों के मध्य में, जो दोनों ट्रैकों के मध्य में इस ट्रैक को लाया जा रहा है। ये क्रेन अब ट्रैक को ला चुका है यहाँ पर, ये ट्रैक अब देखिए ये कैसे इसे सेट किया जा रहा है धीरे धीरे करके। ये क्रेन ने इस ट्रैक को ला दिया, इस ट्रैक को धीरे धीरे करके यहाँ पर लाया जा रहा है। अब इस ट्रैक को दोनों ट्रैकों के बीच में इसे सेट किया जाएगा, देखिए कैसे तरह से धीरे धीरे करके इस ट्रैक को सेट किया जा रहा है और इसे जहाँ से काटा गया था वहाँ पर ये फिश प्लेटों के माध्यम से इसे बांधा जाएगा। देखिए अब ट्रैक ये आ रही है धीरे धीरे करके यहाँ पर इसे लाया जा रहा है। ये ट्रैक अब पूरी तरह से आ चुकी है, ये ट्रैक को दोनों ट्रैकों के मध्य में इसे बांधा जाएगा और ये देखिए किस तरह से इसे यहाँ पर सेट किया जा रहा है धीरे धीरे करके। यहाँ पर इसे अब दोनों प्लेटों को यहाँ पर दोनों प्लेटों की मदद से इस ट्रैक को बांधा जाएगा और ये ट्रैक देखिए यहाँ बांधा जा रहा है किस तरह से, दोनों ट्रैक बीच में प्लेट लगा के ये प्लेट को बांधा जा रहा है ताकि ये ट्रैक हिले नहीं एक जगह से। अब ये ट्रैक भरने के बाद इस ट्रैक के ऊपर से गट्टी डाला जा रहा है, या देखिए किस तरह से ये मशीन और ये आदमी की मदद से
स्टैक को गिट्टी से भरा जा रहा है ताकि ये ट्रैक अपने जगह पर रहे और ये ट्रेन जाने के बाद ये इधर उधर हिले नहीं। अब ये ट्रैक भरने का काम, ये गिट्टी भरने का काम ये धीरे धीरे चल रहा है। ये मशीनों की मदद से, ये बोरे बोरे की मदद से इसे ट्रैक में गिट्टी को पूरी तरह से भरा जा रहा है। ये गिट्टी अब भरा जा चुका है, ये देखिए गिट्टी अब पूरी तरह से भर चुकी है। अब ये ट्रेन जो है, ट्रैक जो है, ट्रेन के जाने के लिए तैयार हो रही है। धीरे धीरे करके इसे अब सेट किया जा रहा है। अब ये ट्रेन यहाँ से जा रही है, ये ट्रैक पूरी तरह से ट्रेन को चलने के लिए चालू हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।